हेलो फ्रेंड्स, आज सेकंड सेमेस्टर के लिए फोर्थ सेमेस्टर के लिए आज मैं टॉपिक करूंगा रेफ्रिजरेशन में। क्या टॉपिक है? कूलिंग टावर एंड स्प्रे पॉन्ड। मतलब कूलिंग टावर क्या होती है और स्प्रे पॉन्ड क्या होता है, ठीक है? कैसे स्प्रे करके पानी को गर्म हवा से ठंडा किया जाता है, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ये आपका कूलिंग टावर है, ये आपका कूलिंग टावर है, ठीक है? कुछ ऐसे जाली नुमा बना लेता है कूलिंग टावर में, ठीक है? यहाँ एक कंडेंसर लगा है, आपको मान लीजिए ये कंडेंसर है, मोटर लगा हुआ है, ये तालाब से स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ एक फैन बना हुआ है, ठीक है? जलाशय है, ये आपका मान लीजिए कूलिंग टावर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊपर जो आपका वायुमंडलीय एयर है, इसे मान लीजिए ये आपने इसमें जल भरा हुआ है, वो कैसे ठंडा होते हैं? जो वायुमंडल में आपकी हवाएं चल रही हैं, जो वायुमंडलीय में आपका वातावरण में हवा चल रही है, ये क्या कर रही है, ठंडा करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये ठंडा करने के लिए उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है? और ये बड़ी मात्रा में गर्म पानी को ठंडा करने के लिए घूमते हैं। जो आपकी गर्म पानी रहता है कूलिंग टावर में आता है, यहाँ से आपने स्प्रे किया, ठीक है? इसका कनेक्शन कहाँ से करते हैं, एक जलाशय से कर देते हैं। जलाशय का मतलब जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, तो कूलिंग टावर वहीं से एडजस्ट कर देते हैं और ये जाकर कूलिंग टावर पहुँचा है। कूलिंग टावर जो रहता है उस वायुमंडल में जो हवाएं चल रही हैं वो उसको ठंडा करने के लिए ये घूमते रहते हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, एक स्प्रे पाइप जो नोजल, और यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ पर एक नोजल है कुछ इस तरह से, और ये आपका जलाशय है, ठीक है? यहाँ नोजल स्प्रे करता है पानी को, क्या करेगा, स्प्रे करेगा, ठीक है? और एक बड़ी खुले जलाशय या तालाब से निलंबित रहता है, ठीक है? ये एक बड़ी तालाब या जलाशय से क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है? ये आपका जो कूलिंग टावर है, ठीक है? ये आपका मान लीजिए जलाशय है और ये स्प्रे कर रहा है और ये कूलिंग टावर है, ये कंडेंसर है, मोटर लगा, ठीक है? तो क्या करेगा, यहाँ से इसको खींचेगा, ठीक है? वह बड़ी मात्रा जो में गर्म पानी को ठंडा भी कर सकता है और प्रशीतन एयर कंडीशन का उपयोग के लिए कूलिंग टावर में स्प्रे करता है, ठीक है? जो पानी है ये क्या करेगा, ये कूलिंग टावर को बड़ी मात्रा में क्या करेगा, ठंडा करेगा, और उसके बाद जो ठंडा रहता है उसको क्या करेगा, कंडेंसर में भेजता है, क्या करेगा, कंडेंसर में भेजता रहता है। और ये कंडेंसर में भी जो आता है वो पूरा 100% शुद्ध नहीं रहता है, उसमें कंडेंसर भी जो बचा हुआ कंडेंसिंग रहता, जो बचा हुआ ठंडा पानी रहता है उसको कंडेंसर ठंडा करता है और उसमें से गर्म हवा को बाहर निकालता है, ठीक है? और जो इसमें क्या करता है, उस पानी को जो यहाँ कूलिंग टावर से जो पानी आता है कंडेंसर में, उस पानी को यह क्या करेगा, यह ठंडा करेगा, ठीक है? और उसके बाद इस ठंडा करने के बाद जो बार बार किया जाता है, ठीक है? ठंडा करने के बाद यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है। जैसे जलाशय से जो पानी निकला कूलिंग टावर में गया, कूलिंग टावर जाके एयर जो ऊपर घूम रहे हैं वो ठंडा किया उसको, उसके बाद वो चला गया कंडेंसर में, कंडेंसर में जो बचा हुआ ठंडा है शीतलन है उसको ठंडा करेगा, जो उसके बाद जो बच जाता है गर्म हवा या गर्म पानी उसको उस जलाशय में पुनः पंप की सहायता से उसको भेज देता है, ये आप कंडेंसर करता है, ठीक है? पंप की सहायता से पंप लगा रहता है वहाँ पे कंडेंसर के पास और ये पुनः जलाशय में पानी को जो बचा हुआ है उसको भेज देता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, जो शीतलन मीनार या स्प्रे तालाब में जल शीतलन का सिद्धांत वास्तविक समुद्र में के समान होता है। जो आपका ये सिद्धांत है
ये वाष्पित्र संनित्र के समान काम करता है, ठीक है, अर्थात गर्म जल को ठंडा वाष्पन की सहायता से करता है, ठीक है। जो आपका गर्म जल है ये वाष्प की सहायता से, जो यहाँ पूरी यहाँ कंडेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर वाष्प की सहायता से इसको क्या कर देता है, ये ठंडा कर देता है, ठीक है। जलाशय में आपका है पानी, जलाशय से कंडेंसर में आता है, वो किसके माध्यम, वाष्प के माध्यम से इसको क्या कर देता है, ये ठंडा करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो नलिका पानी की बूंद बनकर वाष्पित कर देता है, जो नलिका से पानी की बूंदें गिरती है उसको क्या कर देता है, ये वाष्पित कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, वाष्पित कर देता है। और क्या है, इसकी क्षमता जो होती है वो आपके एक्सपोजर की लंबाई पर निर्भर करती है, और वायुमंडलीय में गीला बल्ब के तापमान के समान होता है, ठीक है। और शीतलन जो टावर होता है, जो कूलिंग टावर होता है, ये इतना ही था। जैसे प्रकार भी होते हैं कई, जैसे मान लीजिए जो शीतलक के प्रकार होते हैं, ये होता है एक प्राकृतिक ड्राफ्ट शीतलक टावर, और दूसरा होता है मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जो पहला क्या होता है, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है, पहला होता है नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। और दूसरा आपका होता है, दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। जो नेचुरल होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है स्प्रे प्रकार का वातावरण, ये कूलिंग टावर, और दूसरा होता है स्प्लैश डेक प्रकार का वातावरण कूलिंग टावर, ठीक है। तो इसका जो उपयोग होता है ये बड़े बड़े कहाँ किया जाता है, बड़े बड़े वायु के प्रवाह के संयुक्त सम्मोहन विधि में किया जाता है। जो बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं, जैसे मान लीजिए NTPC में जो आपका टावर कूलिंग टावर है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो वहाँ लगा है वो कहाँ से जलाशय है, वो नदी से अटैच किया गया है। जो आपको उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जो NTPC में लगा है वो कहाँ से कूलिंग टावर अटैच है, आपका जो नदी है वहाँ से क्या है, वो अटैच किया हुआ, और वो आपके वायुमंडल में उसी तरह से ठंडा करता है। जो इसीलिए कूलिंग टावर क्या बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं, देख लीजिए बहुत ऊंचा कूलिंग टावर बना हुआ है, कभी गए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद वो कंडेंसर में आता है, कंडेंसर उसको जो बचा हुआ है उसको और ठंडा करेगा, ठीक है। उसके बाद जो उसमें से गर्म हवा निकलती है वो पुनः जाके जलाशय में पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या था, आपका कूलिंग टावर के बारे में खत्म हुआ। अब अगला टॉपिक कल पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, ई वाई पेपर क्या होता है, वास्तविक क्या होता है, ठीक है, ओके।